राज्यपाल हरिभाव किशन राव बागड़ी कल बांसवाड़ा में राष्ट्र स्तरीय जनजाति महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। 23 सितंबर तक चलने वाले इस महोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने आज आयोजन स्थल का दौरा किया। स्काउट गाइड के CEO दीपेश शर्मा ने बताया कि महोत्सव में 9 जिलों के लगभग 1,000 स्काउट गाइड हिस्सा लेंगे। इस दौरान सामूहिक स्पर्धाएं, प्रदर्शनी, कैंप फायर और दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा। जनजाति महोत्सव का कार्यक्रम अपने बांसवाड़ा में आयोजित हो रहा है। इससे पूर्व राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम 2022 में बांसवाड़ा में आयोजित हुआ था। राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है वो बेसिकली संभाग के स्तर पे या संभाग लेवल की जो भी चीज़ें हों वहाँ आयोजित की जाती हैं। बांसवाड़ा का सौभाग्य है कि पूर्व में जब ये कार्यक्रम आयोजित हुआ तो संभाग नहीं था, फिर भी इस तरह का आयोजन हमने आयोजित किया और इस बार भी बच्चे सभी उत्साहित हैं, अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय उद्घाटन सत्र में गुजार रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय के करकमलों से उद्घाटन होना है, बच्चे उनके सामने अपना प्रदर्शन प्रदर्शित करेंगे और उनकी गतिविधियां माननीय राज्यपाल महोदय देखेंगे। बच्चे सभी कल के कार्यक्रम को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं कि 20 तारीख को माननीय राज्यपाल महोदय बिल्कुल उनके पास में रहेंगे और पास में रहकर उस चीज़ का उद्घाटन कर रहे हैं। ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें 1,000 बच्चे सम्मिलित हो रहे हैं। यहाँ डेली का डे टू डे कार्यक्रम चलेगा, जैसे एक दिन भ्रमण का है, एक दिन एडवेंचर एक्टिविटी का है, एक दिन अदर एक्टिविटी का है। सभी कार्यक्रम हमारे डे टू डे चलेंगे, जिसमें हर जिले से हर व्यक्ति अपना कल्चरल होगा, उसका फूड प्लाजा होगा, उसका अपनी अपनी कल्चर की प्रतियोगिता होगी, बच्चे की एक्टिविटी होगी, उसमें क्विज प्रतियोगिता होगी, फ्रूट प्लाजा होगा, निबंध प्रतियोगिता होगी, ड्राइंग प्रतियोगिता होगी, आदि कई सारी प्रतियोगिता की जाएगी। यहाँ 5 दिन का कैंप है, यहाँ पे अलग अलग गतिविधियाँ होंगी, हमको भ्रमण पे ले जाया जाएगा, यहाँ पे कैंप फायर होगा, फूड प्लाजा लगेगा, सब अपने अपने टेंटों को सजाएंगे और स्टैंड बनाएंगे और एकल प्रतियोगिताएं होंगी। यहाँ हम इस स्काउट के कैंप में आए हैं जहाँ पे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि स्काउट में समाज की क्या भूमिका रहती है और जैसे कि हम कैसे किसी व्यक्ति को या फिर किसी मददगार जो होता है उनकी हम कैसे मदद कर सकते हैं, इसी के बारे में इस स्काउट में हमको जानना मिलता है।